गाइस वेलकम बैक टू जिल स्वीट में। सो गाइस आज हम एक और बैक खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स, और आज हम रोब्लॉक्स के अंदर आज खेलने जा रहे हैं UFO टाइकून। सो गाइस आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते होंगे, मैंने पहले से थोड़ा प्रोग्रेस किया हुआ है यहाँ। और गाइस इसमें हमें अपना एक UFO बनाना होता है एकदम मस्त वाला, और यहाँ हमारी मशीन है जो हमारे लिए पैसे जनरेट करती है। और फटाफट अब हम बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास अभी $58 है, अभी यहाँ से मैंने कैश उठा लिया था। अब जल्दी से फटाफट बनाना शुरू करते हैं। और गाइस यहाँ अपर वॉल बन रही है, ऑफ कोर्स हमें छत तो चाहिए होगी, वरना अगर स्पेस में बारिश तो होनी नहीं, पर अगर एलियंस वेलियंस ने अटैक कर दिया तो एक छत होनी तो ज़रूरी है। ओके अब यहाँ हमें एक मिनी बैटरी चाहिए होगी। गाइस हमें UFO पे उड़ाने के लिए बड़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या चाहिए होता है, बस जो भी है बस चाहिए होता है। गाइस वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ मेरा प्लेटफॉर्म है पूरा पूरा, और यहाँ ऊपर सीढ़ियाँ भी जाती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मेरा रिस्पॉन पॉइंट है, यहाँ सीढ़ियाँ जाती हैं। अब यहाँ हम $60 का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। प्लेटफॉर्म अच्छा ओके, ऊपर प्लेटफॉर्म बन चुका है हमारा। यहाँ पे भी हमें काम करना है, यहाँ पे हम इतनी बड़ी UFO खड़ी करेंगे किसने कभी सोची ना होगी। और ये पता नहीं क्या था, ये मैंने इसका नाम नहीं पढ़ा, पर कोई बात नहीं, हमारे पास अभी $154 बचे हैं। हम यहाँ मिनी जनरेटर भी बना सकते हैं, अभी $75 को जाने वाला है। और देखिए हमारी मशीन ने कितने पैसे जनरेट कर लिए अभी तक। वीडियो शुरू होते हुए अभी 1:40 हो चुके हैं, उसने $210 जनरेट किए थे। हम जल्दी से ले लेते हैं, और वो VIP लोगों के लिए, नॉट VIP उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। 65 का एक मिनी पावर जनरेटर, ये तो फाली से ज़्यादा अच्छा होगा फिर, वो तो 75 का था, ये ज़्यादा बड़ा है वैसे भी उसे। और यहाँ का काम तो अभी ख़त्म हो चुका है, पर वहाँ पे मुझे एक ग्रीन पॉइंट दिखाई दे रहा है। ओके रूफ, क्या अभी तक रूफ नहीं बनी थी? अच्छा कोई बात नहीं गाइस, अभी हमने रूफ बना लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे अड्डे पर एलियंस का अटैक हो और हमारा रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पे एक रिसर्च मशीन चाहिए, क्योंकि हमें देखना होता है कि रॉकेट के अंदर क्या क्या पार्ट्स डलेंगे। ओके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक बार देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। स्पीड बूस्ट मशीन, ओ गाइस आप देख सकते हो मेरी स्पीड तेज़ हो चुकी है। और ये पता नहीं क्या है ये, पर हमारे पास अभी इसके लिए ज़्यादा पैसे हैं नहीं। वहाँ पे एक और पॉइंट है, देखते हैं, ये 100 का है, इसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, पर हमारी एकदम मस्त वाली मशीन। ओके मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और गाइस मैंने अभी इकट्ठा किया, और गाइस मैं लगा था कि मेरे पास $179 हैं, पर पता नहीं मेरे पास ज़्यादा थे। और ये तो बड़े काम की चीज़ है, महंगी थी आई थिंक सो, पर अच्छी है बॉडी। हम इसको ओनली 1 time यूज़ है ये? ओके नहीं, ये 1 time यूज़ नहीं है। अभी हमें बाहर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर ही अपना रॉकेट खड़ा कर पाएंगे। आई थिंक ये हमारे रॉकेट खड़े करने की जगह है, और फिर हम रॉकेट से पूरा स्पेस एक्सप्लोर करेंगे। ये बाय रेल्स, ओके हमें यहाँ से नीचे नहीं गिरना एडिटर, वरना यहाँ से नीचे गिर जाता तो धरती पे लैंड होता है, या मार्स पे लैंड होता है, या मर ही जाता, पता नहीं क्या, वट एवर, पर हमें अपनी जान पे आ रही है। ओके हमें चारों तरफ फेंस कह सकते हैं हम उसको। अच्छा मुझे $56 अभी और चाहिए, पता नहीं मुझे अपनी स्पीड कम लग रही है, पर कोई बात नहीं। ओह इसमें तो बड़े अच्छे पैसे आ गए, नॉट अच्छे, बड़े ज़्यादा पैसे आ गए। और गाइस देखो वहाँ लोग ने कितने मोटे मोटे रॉकेट खड़े कर रखे हैं, रॉकेट नहीं सॉरी UFO। अब हमें यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म बनाना है। ओके पर हमारा रॉकेट तो यहाँ खड़ा होना था आई थिंक सो, तो ये किस लिए, ये बस ऐसे चलने के लिए, मतलब खुद बना दिया इन लोगों ने तो हमारा। पर गाइस यहाँ पे पता नहीं रेल्स का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, पता नहीं, वैसे होनी तो चाहिए। ओके वैसे अभी गेम में सिर्फ 3 बंदे खेल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी और बंदे आ जाएंगे। और ये $90 की क्रू फ्लोर क्या होता है मुझे भी नहीं पता, वैसे पता नहीं ये साइंटिस्ट को ही पता होगा, वही UFO वगैरह रॉकेट वगैरह बनाते रहते हैं। ओके यहाँ $50 की ये लगनी थी, नहीं लगाई नहीं, ये बस इसको भी यूज़ करके देखते हैं।
गरम चम करेंगे कुछ भी नहीं हुआ ऐसे भी। ओके इसे हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल रही हैं, हम इसको पी सकते हैं। ओके पी तो सकते हैं पर इसमें हमारी हेल्थ भी होती है। चलो वॉट एवर गाइस, अभी अंदर वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक फुली कंप्लीट हो चुका है, पर ऊपर जाके देख लेते हैं। ओके अब हमें बस अभी बाहर वाले पार्ट पे काम करना है, और देखते हैं चलते हैं। अब वहाँ $100 का आई थिंक वो लगनी थी ना, यस सॉरी $90 की क्रियो फ्लोर, ये $200 की क्रियो बाक वॉल, ये हम लगा सकते हैं आई थिंक सो। ग्रेट, पर क्रेट ज़्यादा महंगी नहीं दे रहे हैं, ये $85 की क्रेट होता ही क्या है। गाइस वो पबजी में होता है ना वो बॉक्स, ये वैसे लग रहा है और इसका कलर थोड़ा अलग है। ओ गाइस ये पता नहीं कौन सी बाइक है, हॉवर बाइक। मनी कलेक्टर हम बना सकते हैं ₹300 का। गाइस हमें एक और मनी कलेक्टर बनाना पड़ेगा क्योंकि हम अंदर बात थोड़ी ना करते रहेंगे, हमें वहाँ चाहिए। वैसे दोनों कनेक्टेड रहते हैं। ओके स्पीड अपग्रेड, ओके हम अपनी स्पीड अपग्रेड कर सकते हैं, पहले हम वही करेंगे। हम जल्दी से अपनी स्पीड अपग्रेड करते हैं। वैसे मुझे स्पीड में कुछ बस हल्का सा बदलाव दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं। वैसे हमारे पास अभी $103 है, देखते हैं वहाँ जाके हम क्या क्या बना सकते हैं। वैसे इसके लिए चाहिए $200 और इसके लिए चाहिए 425। हाल तो मैं लूँगी ही लूँगी, ये बड़ी मस्त लग रही है। गाइस अभी मैं आपको मिलती हूँ जब जब ना ज़्यादा पैसा आ जाएंगे। सो गाइस अभी मशीन ने थोड़े कम ही पैसे जनरेट किए हैं, पर अभी जितने भी पैसे हैं इनको ले लेते हैं और एक वाली बाइक खरीद लेते हैं, हॉवर बाइक जो भी उसका नाम था, क्योंकि वो पता नहीं बहुत कूल सी लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। पर हम ये हॉवर बाइक लेते हैं। ओके हम इसके ऊपर बैठ चुके हैं और कैसे हम चला सकते हैं, क्या हम बाहर जा सकते हैं एक बार देखते हैं, क्या हम बाहर जा सकते हैं। बस आई डोंट थिंक सो कि हम बाहर जा सकते हैं। ओके हम बाहर नहीं जा सकते गाइस, पर ये बहुत कूल है, पर ये मुझे चलाने नहीं आ रही ज़्यादा अच्छी। ओके अभी हम उसको यहीं पे पार्क कर देते हैं। ओके बड़ी मुश्किल से पार्क हो रही है ये, हावर बाइक ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, मतलब लगा था कुछ कूल सी चीज़ होगी। अरे क्या अच्छा, ओके अभी बीच में आ जाती है, ये अपने आप पार्क हो जाएगी। अब हमें एक मनी कलेक्टर तो ऑब्वियसली चाहिए होगा, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमें बस $9 और चाहिए और हमारी मशीन तो ऐसे चुटकियों में पैसे कलेक्ट कर देती है। डरने की क्या बात जब मशीन है हमारे साथ। गाइस इतनी जल्दी $500, वैसे $500 कम नहीं होते। आई थिंक अभी गेम में और बंदे ज्वाइन हुए हैं। ओके बस एक ही बंदा ज्वाइन हुआ है, मतलब पहले तीन थे, अच्छा है कि एक और बंदा आ गया। अरे अभी मेरे पास $1000 होने वाली है, पर मैं कभी उनको होने नहीं दूंगी, हम खर्च करते रहेंगे। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आ गया, अब हमें वहाँ दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी मुझे ओके वहाँ पे वो रहा पॉइंट, जल्दी से हम करते हैं, $200 का है बस। गाइस जब आपको अमीर हो जाते हैं $100 भी बहुत कम लगते हैं। ट्री स्पेस में ट्री का क्या काम, और ये $200 का थर्ड ड्रॉपर। वैसे मशीन ने अभी 100 में पैसे तो जनरेट कर ही लिए होंगे। ओके कुछ हो गए होंगे, $203 थे आई थिंक सो, पर जो भी हमें उससे क्या फ़र्क, और मुझे नहीं पता इससे क्या होने वाला है। फिर हम उसके ऊपर खड़े हों भाई, कुछ तो कर दो, मुझे उन वाले आइलैंड पे ले जाओ। गाइस ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये क्या बेकार में बनाएंगे। सेकंड भी आ रहा है $225 का। हमें स्पेस में पेड़ों का क्या काम होता है गाइस, हमें कौन सी स्पेस में ऑक्सीजन लेनी होती है, वैसे स्पेस में ऑक्सीजन थोड़ी नहीं होती है। और स्पेस में मिट्टी कहाँ से आई, वो तो भी फ्लोट कर रही होगी। अब हमारा जो काम है हमें बस वही करना है। ये $375 का क्रू रूम वॉल्स, गाइस ये क्रू रूम
जो भी है ना, ये ना बहुत पैसे ले रहा है हमसे। गाइस जब भी मैं आपको मिलती हूँ, जब मेरे पास $1,000 हो जाएंगे। गाइस मैंने अभी वीडियो पॉज की थी और देखो मुझे ऊपर कुछ था वो चला गया अभी। आई थिंक वाली स्पेसशिप थी। गाइस आई एम नॉट लाइंग, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। गाइस ये रहा, अगर हम इसके ऊपर बैठे, ये किसी और का है, हम बैठ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि हम बैठ सकते हैं। अरे हमारी जगह क्यों आ रहा है, उसको भगाओ कोई। ओके बस अब मशीन में बस $1,000 होने वाले हैं, और मेरे पास पहले से $161 है। और अभी हम देख ही लेते हैं इनसे जो बन रहा है वही बना लेते हैं। वैसे अभी कोई बन तो नहीं रहा, ये पैसे खपाने वाली चीज़ जो मैं पैसे खाती रहती है, और इसका कोई काम तो होता नहीं, पता नहीं क्यों क्यों लगा रखे है ये लोगों ने। और गाइस टाइम आ चुका है $1,000 का। ओके ओके बस $20। ओके गाइस ये $1,000, और फटाफट अभी तो पैसे पानी की तरह जाएंगे। ऐसे मेरे पानी की तरह तो चुटकियाँ क्यों बजाई। क्रू रूफ गाइस देखो अभी कलेक्ट किए थे, कितने कम होने लगे। देखो 51 हो गए 1,000 से। इसलिए गाइस मैं कहती हूँ ये है लूटने वाले काम। जब मैं लूटते तो रहते हैं, पर इनका काम है कुछ नहीं है। देखो ये ड्रॉपर इतना महंगा बनाया था, आई थिंक $200 का था। इसका काम कुछ है कुछ नहीं, बस बूंदे गिरती रहती हैं जैसे तैसे। पेट में प्यास लगेगी हमें, ऐसे प्यास लग भी सकती है। अरे अरे थर्ड ड्रॉपर अपग्रेडर, ये मुझे काम की चीज़ लग रही है, तो हम फटाफट से इसको बना लेते हैं। और गाइस आई थिंक एक और बंदी ने ज्वाइन किया, बंदी लग रही है। 1 2 3 4, अरे ग्रीन कलर का बंदा था, पता नहीं वो कहाँ गया, जो मेरे ऊपर स्पेस शिप उड़ा रहा था। पता नहीं, बहुत बदतमीज था, बहुत बदतमीज। वैसे गाइस अगर आपको पता है जो ये ट्रायंगल, ये पोर्टल टाइप ऑफ से क्या है, तो प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में बताना, ये मुझे बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा। आई थिंक हम इनसे दूसरे लोगों के आइलैंड पे जा सकते हैं, मुझे पता तो नहीं है, बस मैं गैस लगा रही हूँ। और गाइस मुझे वो रेड वाली यूएफओ बड़ा मस्त लग रहा है, अगर आप उसका गेम का थंबनेल कह लो, अगर आप वो देखोगे इस पर भी ऐसी सेम रॉकेट है। और देखो गाइस जुड़वा जुड़वा गाइस, इसमें आपको एक भी कमी दिखाई दे रही है? एक आंख दोनों की बाल से ढकी हुई है। वैसे अच्छा ये काफ़ी दोनों जुड़वा लग रहे थे। क्यों, क्या मैंने आपसे पैसे कलेक्ट किए थे? यहाँ पे इतने कम पैसे कह सकते हैं, हो सकते हैं गाइस लगता है कि मैंने कलेक्ट ही किया था। और अभी मेरे पास 631 डॉलर जो मैंने रखा ही नहीं। फिर हम जल्दी से वो थर्ड वॉपर अपग्रेडर बना लेते हैं। रहते हैं ना लाग होती रहती है। गाइस अभी आप देखोगे मेरी गेम फ्री हो चुकी है, और अभी बस मेरे पास $131 बचे हैं। गाइस ओके प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन, एरर कोड 277। तो हम इसको फटाफट से रिकनेक्ट कर लेते हैं, अभी लीव तो नहीं करेंगे क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता। गाइस आप इस गेम का नाम देख सकते हो, यूएफओ टाइकॉन। और पता है इसकी पिक क्यों नहीं दिखा रहा, वरना इसकी पिक बड़ी मस्त है। और जो ये यूएफओ टाइकॉन में इमोजी लगा हुआ है रॉकेट का, ये बड़ा मस्त लगा है। वैसे गाइस मैं सोच रही थी कि एक दिन कि कभी इस चैनल पे वो 3-2-1 ब्लास्ट और सिमुलेटर खेला जाए, पर वो मैंने गेम पहले खेली हुई है, या फिर आप चाहो तो मैं उसको फिर से कंटिन्यू कर सकती हूँ। और गाइस जैसे हम गेम में स्पॉन हुए, हमारे पास हो चुके हैं $1,000। अभी अभी पानी की तरह उड़ेंगे, और हम पहले सबसे पहले स्पीड ले लेते हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। और वहाँ पे हमारा स्पीड अपग्रेडर भी है, ये स्पीड बूस्ट। ओके गाइस हमारी स्पीड तेज हो चुकी है, यहाँ पे हमारा स्पीड अपग्रेडर है। स्पीड अपग्रेडर कहाँ गया? चलो गाइस जो भी है, अभी हमारे पास $1,179 हो चुके हैं। तो अभी हमें अपना यूएफओ पे काम करना है, क्योंकि हमें अपना यूएफओ बनाना है।
गाइस मैं तो चाहती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक हमारा एक यूएफओ बन जाए। देखो $150 का दो लूट रहे हैं ये हमें। ओ ये क्या चीज थी गाइस? ये तो वैसे लग रहा है जैसे एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे चार बंदे सोएंगे? ये हमारा लॉकर है क्या? ये बाथरूम है? ये क्या बवासीर बना दिए हैं? क्या है ये गाइस? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करे होंगे तो ऐसे ही होता है, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होता है वन साइड और ऊपर वो लाइट वगैरह लगी रहती हैं। ओके हमें अभी $446 अभी और चाहिए। और एक है पार्ट क्राट, सॉरी गाइस अगर मैंने स्पेलिंग गलत पढ़ ली होगी। अभी हम $1000 होने वाला हमारा गाइस, देखते देखते पता ही नहीं चला कि $1000 कब होगा। और प्लीज़ कोई तो गेम ज्वाइन करो। ये आई थिंक किसी ने तो ज्वाइन किया है। 1 2 3 4 5 ओके अभी 5 बंदे हो चुके हैं गेम में। अगर वो ग्रीन कलर का एक बंदा था, अगर वो होता तो बड़ा अच्छा होता। अभी हमारी मशीन तो माला माल हो चुकी है गाइस। फटाफट हम ये कर लेते हैं गाइस। वैसे तुमने अभी बेकार की चीज़ बनाई है, इससे कुछ तो हुआ है नहीं। ओके 5 मिनट $50 वेस्ट करते हुए। वैसे एक डेकोरेटिव प्लांट्स भी अच्छे लग रहे हैं यहाँ। अरे $550 की थर्ड बंकर्स भी बना रहे हैं हम गाइस। ये भी काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अगर एलियन अटैक हो गया तो हम अपने बंकर में छुप सकते हैं। और अगर ये सारे डिस्ट्रॉय हो गया, बंकर हम बड़ा मजबूत बनाएंगे, उसके सारे अंदर खाने की सप्लाईज रखेंगे कि हमें खाने की तकलीफ ना पड़े। वैसे यहाँ पता है स्पेस में खाना कैसा आएगा, या फिर हम एलियन का ही शिकार करके खा जाएंगे, जो भी होता है। अभी हम जल्दी से वो बनाते हैं बंकर। गाइस देखो वही नोटिफिकेशन। गाइस आपने मेरी वीडियो कोई ऐसी देखी है जिस पर नोटिफिकेशन आई हो? अरे ये क्या है, मैंने गलत बोल दिया क्या कुछ? ये बंकर है? बंकर वैसे वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, मैं इतने दिनों से, मैं 2 या 3 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया है। उसका रीज़न हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं गाइस, अभी भी चल रहे हैं, पर आज मैथ्स का एग्ज़ाम बस अभी बस घर बैठ के करना है अभी तो मैथ के एग्ज़ाम, वरना गाइस मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ मैम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करवा रही हैं एग्ज़ाम। मतलब अगर जो बच्चे ऑफलाइन भी आए हैं ना उनको भी बाद में ऑनलाइन करना पड़ता है। ऐसे हम चाहे तो स्कूल में भी कर सकते हैं, पर स्कूल में अच्छा है कि मैम ने ये सिस्टम बनाया, वरना फेल होके आते हैं। क्योंकि गाइस मुझे पता नहीं है मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ, ये बंक एंड। ओके $149 और चाहिए, फटाफट चलाते हैं $149 और उसके बाद हम ये अपनी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो लास्ट था, वहाँ पे लिखा हुआ था एंड। और वैसे तो आज वीडियो बड़ी लंबी बननी है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और गाइस मुझे आप बताइए कि मैं और कौन से गेम खेलूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज़ मुझे आइडिया दीजिए। वरना तो मैं ऐसे यूट्यूब पे देखती रहती हूँ कि लोग कौन कौन से गेम खेल रहे हैं, हम वही खेलते हैं आज की वीडियो में। तो मुझे कभी समझ में नहीं आता कि कौन सी गेम खेली जाए कौन सी नहीं खेली जाए। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि एक माइनक्राफ्ट की भी डाली जाए। और गाइस जो मेरे अपने माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड बनाया हुआ है वो मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि आपको पता ही है। अब अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो वो आपकी गलती है, मुझसे मत पूछना। और ये पता नहीं मेड बे टाइप ऑफ था कुछ, आई थिंक ये था मेड बे फ्लोर। मेड बे बन रहा है क्या यहाँ, जैसा मंगस में था एकदम मस्त? गाइस मंगस की बड़ी याद आती है, बस उसका अपडेट जो आया था ना वो मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्से गुस्से में आके मैंने मंगस ही डिलीट कर दी। और हमारा अच्छा ओके वो बाहर था, वो हमारा मनी कलेक्टर। और देखो लोगों की हरकतें देखो, ना बैठ सकते, कोई अपना ही पे छोड़ के चला गया। ओके सो गाइस इस वाली वीडियो के लेते हैं, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय गाइस।